लफड़ा फंस गयो यार, लफड़ा ये फंस गया है कि क्या नाम है गोलू, दोनों यहीं से आए इसी के पीछे ले आगे को लोग। चलो एक काम करो, पर्चा एक बनेगा, उत्तर दोनों को मिलेगा, एक ही पर्चे में दोनों को निकलेगा। तुम दोनों पूछ लेना, एक ही पर्चे में दो दो लाइनें दोनों की मिलेगी। सीताराम हनुमान जी, अब राख दियो लाज, आ जाओ गुरु जी। राम दोनों को आने दो, बेल्ट पर्स नजदीक नहीं लाना है। आइए नजदीक, यहां आओ और नजदीक आओ, माइक ले लो एक जना कोई भी। हम इसी पर्चे के दो हिस्सा कर देंगे, एक एक प्रश्न आप दोनों पूछेंगे और तुम जो भी बोलोगे उसका उत्तर हमारे पर्चे में होगा। एक जन के दो प्रश्न हैं, एक जन का एक प्रश्न आया है, तुम जो भी बोलोगे वो मिलेगा। अब तुम क्या बोलोगे ये हनुमान जी जाने, लेकिन तुम बोलोगे वही जो हमारे पर्चे में लिखा है। जी ये भी आश्चर्य, जी आप वही बोलोगे जो हमारे पर्चे में कलमबद्ध है, ये जी कैसे होगा ये हनुमान जी जाने। बोलिए जी, क्या बात, मुझे संतान की ठीक। और कोई बात, बहुत समस्या है। आइए नजदीक, पहले नंबर पर आप भी पढ़िए। पितृ दोष धन तंगी के कारण वह पुत्र रतन चाहते हैं, परेशानी बनी कोई संतान नहीं है, पितरों का उपाय करवा दें, इस मंत्र के बीज मंत्र से संतान योग बनेगा। पर्चा पढ़िए ऊपर का जी, भाग जी गुरुदेव आपका ही है, जी ये गुरुदेव पर्चा लीजिए। नियम का पालन, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, जी गुरुदेव, बालाजी आज से कृपा करेंगे। जी गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम भूरी गुरुदेव, भूरी आशीर्वाद, जी गुरुदेव, जाओ तुम आओ भलो होए। जी बालाजी गुरुदेव, ने चाहा तो जय जय श्री राम, जय राम, राम सीता राम। 4 मार्च 2025 में पुत्र रतन का योग बन रहा है, जी महाराज, जी गुरुदेव, जय जय श्री राम, लेकिन नियम का पालन, धाम की पेशी, जी गुरुदेव, डॉक्टरी इलाज की दिक्कत है जी गुरुदेव, और ब्लॉकेज भी बना है जी ट्यूब, गुरुदेव, और बीच में आपकी जांच नॉर्मल थी, जी गुरुदेव, ठीक है, जी गुरुदेव, और पितरों का उपाय, ये जी गुरुदेव, सभी उपायों को आप करवाइएगा। धाम पर आइए, हम आपको कवच दे देंगे, जी मंत्र गुरुदेव, जाप करिए, जी भगवान गुरुदेव, बालाजी दया करेंगे, जाओ आशीर्वाद। आप उठ जाइए, अगर आपकी बात हो गई तो जाइए भजन करिए और प्रभु का ध्यान करिए, आशीर्वाद। और तुम बहुत उपद्री आदमी हो, बहक बहुत जाते हो, लोड बहुत हो जाते हो, हाँ गंभीरता से रहना, भजन करना, अब उपद्रव नहीं करना ना बहकना, समझ गए, नियम पालन करना है। चलो ठीक है, वो बात अलग है कि व्यसन से दूर हो, लेकिन दूसरों वालों चढ़ो रात। पूछिए कहाँ से हो पहले तो ये बता, कहाँ पड़ता है ये, केवलारी, केवलारी के बाजू में, यहीं पास में ही है। जी पूछिए क्या प्रश्न है आपका, बीमारी ठीक नहीं हो रही, क्या हो गया है, कभी कभी आता, मेरे माता पिता नहीं है। कोई बात नहीं, आप ये पढ़ो पहले, क्या लिखा है, सिर की पीड़ा ठीक होगी, फिट की दिक्कत बनती वो भी दूर हो जाएगी, फिट मतलब मिर्गी का दौड़ा, झटका बनता है उसे अंग्रेजी में फिट कहते हैं, वही दिक्कत है क्या, एकदम सही, माइक से बोलो, हाँ जी ठीक हो जाएगी, जाओ आशीर्वाद। डॉक्टर ये इलाज बंद नहीं करवानी, दुआ और दवा दोनों चलानी है, हम
हमारे पास मंत्र चिकित्सा है, हम उसका प्रयोग करेंगे, समय ज्यादा लगेगा लेकिन ठीक हो जाओ। साधु जी, साधना के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका कोई है नहीं, कोई नहीं। आपका पूरा परिवार का नाश हो चुका है। हाँ जी, ठीक है जी, ना परिवार बचा, ना अभिभावक बचे, ठीक है, और लोग भी बड़ा परेशान कर रहे हैं, कोई साथ नहीं देता, तो ठीक है, तुम्हारी हनुमान जी की भक्ति तो ठीक है, पर ज्यादा साधना के चक्कर में मत पड़ना, जाओ, आज से ही मंगल होगा, उठ जाओ।